नमस्कार दोस्तों, मिनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको लियो की शरारत दिखाना चाहती हूँ। ये कितना तंग करता है मुझे, सारा दिन परेशान करके रखता है। अभी मेरा कुशन लेके घूम रहा था और अभी देखो कैसे लेट गया है। ये बदमाश नंबर वन है, हमारे घर का हीरो है और हमारी सबकी जान है। ये लियो मेरा गुड बॉय है, मेरा प्यारा बेटा है। इसके बिना पल भर भी दिल नहीं लगता, बहुत प्यारा है ये। इसकी शरारतें बहुत अच्छी लगती है, बहुत नॉटी है, बहुत स्वीट है। ओ बाबू नो, लियो मैं मारूंगी, जल्दी दे। मैं नहीं दूंगी, सिट लियो, सिट, गुड बॉय। नो लियो नो, देखो बिस्किट, लियो सिट, लियो ये रहा देखो, लियो सिट, गुड बॉय, कैच। लियो पीछे चलो, वहां पे चलो, वहां चलो, वहां चलो। गाइस ये मेरा लियो ना बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता है। कभी पिलो, कभी कुशन, कभी कुछ, कभी टावल, कभी चप्पल, कभी कुछ, सब लेके भाग जाता है। मैं इसके पीछे पीछे दौड़ती रहती हूँ, कभी कहीं छुप जाएगा, कभी कहीं, और उन्हें फाड़ देता है ये। बहुत बदमाश है गाइस। अगर आपके घर में भी ऐसा पेट है तो मुझे बताइए कि आपका पेट क्या करता है, कैसे शैतानी करता है। मिनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो ये मेरा हीरो है, मेरा प्यारा लियो है। गाइस मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, मेरा स्ट्रीट डॉग है, बहुत प्यारा है। मैंने उसका नाम रखा है सिम्बा, बहुत शैतान है वो। कहाँ है छोटू सिम्बा, कहाँ है? अरे वो ये बैठा है दरवाजे में, दिखाई दे रहा है बाबू सिम्बा, गुड बाय। देखो फ्रेंड दरवाजे में बैठा है, ये रात को भी यहीं सोता है और जैसे हमारा दरवाजा खुलता है फौरन अंदर आ जाते। आ जाओ कम मेरा बेटा, इसे भी मालूम है बैठने का। ये देखो कैसे अंदर आ गया लियो के पास। क्या हुआ, खेलने दो लियो, सिम्बा को नहीं मारना। गुड बॉय सिम्बा, लो गुड बॉय। नो लियो। गाइस वो स्ट्रीट डॉग बहुत छोटा है, लियो से मुझे डर लगता है कहीं लियो उसको नुकसान ना पहुंचा दे। ये थोड़ा पागल सा है, ये परेशान कर देते हैं उसको और मेरे को डर लगता है कहीं उसे दबा ना दे, वो बहुत छोटा है। ये जो मेरा लियो है ना ये बहुत बदमाश है, ये बिल्लियों को ऐसे दौड़ाता है, उनके पीछे ऐसे भागता है बुरी तरीके से, उन्हें गार्डन से बाहर कर देता है। और मेरे घर के बाहर दो डॉग हैं, जो एक तो छोटा एक बड़ा है, वो भी बिल्लियों को भगाते हैं और मेरे घर में कोई आ नहीं सकता इजली से, क्योंकि मेरे रक्षक बाहर बैठे हैं, तुरंत कैच कर लेते हैं। वो डर जाते हैं, भागने लगते हैं कि भाई इनके घर में तो कितने सारे डॉग हैं। वो कहते हैं इधर से आएंगे तो भी डॉग, बैक साइड से आते काम करने के लिए वो भी डर जाते हैं, क्योंकि पीछे भी एक डॉग है, वो है जर्मन शेफर्ड, उसे मैं किसी दिन दिखाऊंगी। हमारे पड़ोसी का है लेकिन वो भी हमें बहुत प्यार करता है, उसका नाम है एलेक्स। दूसरे जो पीछे बाहर है, एक का नाम हमने छोटे का रखा है सिम्बा और बड़े वाले का है जैक्सन, और वो है 10 साल का, थोड़ा बूढ़ा है लेकिन बहुत प्यारा है। किसी वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, इस टाइम वो कहीं सो रहा है। गाइस जो सिम्बा है वो छोटा बच्चा, उसकी मदर नहीं है, हम सब लोग केयरिंग करते हैं, पड़ोसी भी खिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं,
ज्यादातर वो मेरे घर में ही रहता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तुरंत आ जाता है और लियो के साथ खेलने लग जाता है। हम सोचते थे पहले कि कहीं लियो इसे मारे ना, नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन लियो इसका फ्रेंड बन गया। लियो भी सारा दिन दरवाजे में बैठ के उसकी तरफ देखता है, उसे बुलाता है, प्यार करता है। इसका प्यार करने का तरीका पकड़ पकड़ के, हमें डर लगता है कि इसके दांत ना लग जाए, वो छोटा बच्चा है इसलिए हम ना उसको कम रखते हैं इसके पास, फिर बाहर कर देते हैं। सोच रहे अगले महीने उसको इंजेक्शन लगवा देंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि वो लियो के साथ खेलता है। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसको इंजेक्शन वगैरह वैक्सीनेशन करा देंगे, क्योंकि हमारे एरिया में ही रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है। एक दिन वो खो गया था, हम बड़े दुखी हो गए और रोने लगी मैं और मेरी बेटी भी कि कहाँ है। मैंने गुरुजी का ना कड़ा प्रसाद बोला, मंत्र बोला, मैंने कहा हे भगवान मिल जाए। भावना कहने लगी कि बजरंग बली में तेरा प्रसाद चढ़ाऊंगी, सिम्बा मिल जाए, क्योंकि वो इतना छोटा, हमें डर लगा कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कोई बच्चा उठा के तुम्हें ले गया, मेरा बेटा भी, मैं भी। रक्षाबंधन वाले दिन सोसाइटी में ढूंढते रहे 30 तारीख को, फिर वो किसी के घर में सो रहा था, फिर हमें मिला, तब हम बहुत खुश हुए। मैंने तुरंत बेसन का हलवा बनाया, फिर गुरुजी को मैंने भोग लगाया, फिर हमने उसे भी खिलाया। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।